हेलो। सोचा आज चने बना लिए जाएं, तो चने की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। चलिए आए देखते हैं कैसे बनाने हैं। ये चना मैंने रात को ही भिगो के रख लिया था, खुले पानी में डालकर आप इस चने को भिगो के रख लीजिए। ऐसा करने से आप इसमें सोडा नहीं डालते। अगर रात को ही भिगोए होंगे तो हमें इसमें सोडा डालने की, मीठा सोडा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चना को कुकर में डाल लीजिए उबालने के लिए। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा पानी। अदरक लहसुन और एक हरी मिर्ची मैंने काट के रख ली है, जो कि मैं इसमें डालूंगी। प्याज जो मैंने छोटा छोटा काट लिया है उसको भी मैं इसमें डाल दूंगी। कलर के लिए मैं इसमें डालूंगी 2 टी बैग। अगर हमारे पास टी बैग नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप इसमें 1 कप पानी में 1 चम्मच बड़ा चम्मच पत्ती का डाल लीजिए और उसे अच्छी तरह उबाल लीजिए। जब उसका कलर आ जाए तो आप वो पानी छान कर चनों में डाल दीजिए। इसमें मैं डालूंगी नमक, थोड़ी सी मिर्ची, 1/2 चम्मच जवैन। जवैन मैं इसलिए डालती हूँ कि कईयों को चने वाई हो जाते हैं, तो ये पेट के लिए अच्छे रहते हैं कि भाई जवैन डाल। थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला मैंने अभी इसलिए डाला है क्योंकि इसमें मैं कोई भी खड़े मसाले नहीं डाल रही, क्योंकि अगर मेरे बच्चों के मुंह में, अगर आपको काली मिर्च, लौंग वगैरह मुंह में आए तो उनको अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं थोड़ा सा गरम मसाला डाल देती हूँ। चना मैंने उबलने रख दिया है। इसमें आप कम से कम 6 से 7 सीटियाँ दिलवा लीजिए, और अगर आपको सीटी नहीं दिलवानी, मैं तो सीटी बजनी शुरू होती है तो मैं इसको सिम पे कर देती हूँ ताकि ये सिम पे आराम से पके। इसको मैं 20 से 25 मिनट के लिए सिम पे रखूँगी ताकि अच्छी तरह जो चने हैं वो सॉफ्ट हो जाए। गैस को कर दिया सिम और सीटी कर दी नीचे। सीटियाँ ना मार भाई। थोड़ी सी इमली ले लेंगे जो कि मैंने धो ली है। धोने के बाद इसे मैं गर्म पानी में थोड़ी देर भिगो के रख लूँगी। जब तक चने उबल रहे हैं तब तक हम इमली को पानी में डिप कर लेंगे। चने हमारे उबल गए हैं, अब हम इसे खोलेंगे। खोलते सार हम चेक कर लेंगे। हाँ, चना गल गया हमारा, और जो हमने इसमें टी बैग डाला था उसको अब हम बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकाल के इसको हम साइड पर रख देंगे। चने को हम थोड़ा सा ऐसे मैश कर लेंगे, और कलर कितना सुंदर आया है, बहुत सुंदर कलर है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा। जीरा ब्राउन हो जाए तो इसमें मैं डालूंगी 2 टमाटर मिक्सी में पीस के। नमक हमने डाला था इसलिए इसमें हल्का सा नमक डालेंगे। थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच इसमें मैं डालूंगी चना मसाला का। थोड़ा सा गरम मसाला, 1/2 चम्मच आमचूर, 1 आलू काट कर छोटा छोटा। हमारे मसाले ने तेल छोड़ दिया है। तेल छोड़ने के बाद जो हमने इसमें चने बॉईल किए थे वो हम इसमें डाल देंगे। जो हमने इमली भिगोई थी अब हम इसको छान के अपने चनों में डालेंगे। एक दो बाले आने के बाद आप इसको चख के देख लीजिए कि इसमें कहीं नमक मिर्च कुछ कम तो नहीं है। परफेक्ट, थोड़ा सा नमक कम है, कोई बात नहीं, आप नमक स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। एक पैन में थोड़ा सा तेल ले लीजिए, उसको अच्छी तरह गर्म कर लीजिए। मर्जी आपकी, घी या तेल जो भी आप डालना चाहें। इधर मैंने बारीक बारीक अदरक और हरी मिर्ची को चीरा लगा दिया। चीरा हम इसलिए लगाते हैं जब हम इसे तेल में डालें तो इसकी छींटे हमारे ऊपर ना आए सर सर करती हुई। अब हम इसमें डालेंगे अदरक, मिर्ची, और इसको थोड़ा हल्का ब्राउन होने देंगे। गैस हमने कर दी बंद, और हम इसको अब इसमें डालेंगे अपने चने में। क्या खुशबू आ रही है। अब हम ये मसाला डाल देंगे जो हमने था पैन में, सारा इधर डाल देंगे। लास्ट में हम डालेंगे इसमें भुना हुआ जीरा।
जिसकी खुशबू मुझे बहुत पसंद है। अब हमारी बारी है इसको टेस्ट करने की। बहुत स्वाद है। इसके साथ मैं बनाने लगी हूँ भटूरे। आप अगर डाइट कॉन्शियस हैं तो आप कुलचों के साथ भी खा सकते हैं। भटूरे के लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा, 1/4 कप सूजी और 1/2 कप दही। साथ में मैंने लिया है थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और इन सबको हमें करना है मिक्स। इसे मिक्स करने के बाद मैं इसको गूंदूंगी सोडे के साथ। इसमें डालें आप थोड़ा सा सोडा। ऐसे करने से भटूरे बहुत फूले हुए बनते हैं। आटा हमने गूंद लिया है, साथ में हमने इसके ऊपर थोड़ा सा लगा दिया है घी। अब हम इसको 1/2-1/4 घंटे के लिए रेस्ट पे रखेंगे। ये भटूरा हमने डाल दिया है और अब आप देखना कितना सुंदर फूलेगा ये, बिल्कुल बाजार के जैसे। वाव, इसे आप इमली वाले प्याज के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही अमेजिंग लगता है। अभी बताती हूँ खा के। बहुत बहुत स्वाद है, यम्मी।